हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नकली नोटों के मामले में पाली पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। पाली पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने उस मामले में गिरोह के सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 34,27,100 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 कलर प्रिंटर समेत काफ़ी सामान बरामद किया है, जिनसे नकली नोट छापे जा रहे थे। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि जालौर शहर में सरावास के एक कॉम्प्लेक्स में नकली नोट छापे जाते थे। यह रही पाली SP द्वारा आगे की जानकारी। जिला पुलिस को कुछ खबरें मिल रही थी नकली नोट छपने के बारे में। इसमें सादड़ी थाने के कांस्टेबल हैं तेज सिंह, उनको कहीं से इतला मिली। उनकी इतला पे 2 व्यक्तियों को, दिनेश और लतीफ नाम के व्यक्तियों को गिरफ्तार करा, तो उनके पास से 4,000-5,000 के नकली नोट मिले। सदर थाना, नोडल थाना इस संबंध में, तो यहाँ पे अभी वो पंजीबद्ध करके SHO श्री सवाई सिंह, राज देवेंद्र साइबर इंचार्ज और इनकी टीम ने फिर मेहनत करके अन्य अभियुक्तों को पकड़ा, जिसमें अब तक कुल 5 अभियुक्त अरेस्ट हो चुके हैं और 34 लाख से अधिक राशि के नकली नोट बरामद हुए हैं। पेन ड्राइव मिली है, प्रिंटर मिले हैं 3, स्कैनर मिले हैं और नोट के ऊपर जो स्ट्रिप डलती है उससे संबंधित अन्य मशीन मिली है। तो इसमें इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि स्कैन करके नोट को प्रिंट करते थे, और चूंकि क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी नहीं होती थी, तो उस नोटों को फिर ये रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप पे, ढाबों पे, ऐसी जगह या फिर दूसरे नए नोट जो होते हैं उनके बीच में छिपा के चलाने का ये इनका मोडस ऑपरेंडी थी। अब तक जो अरेस्ट हुए हैं उसमें दिनेश कुमार, लतीफ, रविशंकर और मुख्य अभियुक्त दिनेश सन ऑफ हस्तीमल राव नाडोल के हैं और अभी चपासनी हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, और जयपाल सिंह सन ऑफ महावीर सिंह ये धांधिया लूनी के हैं। तो दिनेश और जयपाल सिंह, इनकी मेन इसमें भूमिका है और दिनेश के पास से ही पेन ड्राइव भी मिली और एक्सपर्टीज भी उसी की है नकली नोट बनाने की। अब इन्होंने और इससे पूर्व कहीं वारदात करी है और कहाँ पे सप्लाई करे हैं, इस बारे में अनुसंधान जारी है। नोटबंदी के दौरान भी ऐसी इतला मिली है, अभी उसको पुष्टि करना उसका शेष है। नोटबंदी के दौरान भी इन्होंने उदयपुर में और कहीं इस प्रकार की वारदात की थी, तो उसकी क्लियर करना और पूरे अनुसंधान से सारी चीज़ें सामने आएंगी। इनके पेन ड्राइव में तो अपने 500, 1,000 और 100 रुपए के नोट का मिला है। हमें जो बरामद हुए हैं वो 100 और 2,000 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। पाली से सुभाष त्रिवेदी की रिपोर्ट।